गाइज आप देख सकते हो जो पुराना फोटो है थोड़ा ब्लर जैसा, इसको आप एनहांस कर सकते हो, मतलब इसका क्लैरिटी बेटर कर सकते हो। तो ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं अभी आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो मेरा फोन पर एक मेरा मम्मी और डैडी का पुराना फोटो है थोड़ा ब्लर जैसा, तो इसको मैं अभी अपलोड करूँगा और फिर देखूँगा ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं। तो अभी देख सकते हो रेडी हो गए। तो मेरा जो पुराना फोटो है वो भी आपको दिखाऊंगा, फिर इनहेंस करने के बाद ये कैसे होता है ये भी आपको दिखाने वाला हो। गाइज आप लोग देख सकते हो एक्चुअल में वर्क करती है। अगर आपको भी ट्राई करना है तो कौन सा एप्लीकेशन आपको पता चल जाए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपके घर पर इस तरह के कोई पुराना फोटो है या आपके फैमिली या आपके बचपन का कोई पुराना फोटो है, थोड़ा सा क्वालिटी खराब हो गया, इसको आप बेटर क्वालिटी कर सकते हो। हाँ तो गाइस अभी अभी आपने जो वीडियो में देखा इस तरीके से आप आपके फोटो को बेटर क्वालिटी कर सकते हो, वो आपका मर्जी, देखने के बाद जरूर मानोगे, सच बात है। तो इसको कैसे करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस। चलिए अभी क्या करना है देखना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस इस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगी, तो प्ले स्टोर से इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, फिर ओपन करना है और फिर आपको थोड़ा सा सेटअप कर लेना है, मतलब नेक्स्ट कर लेना है। करने के बाद गाइस यहां पर देख सकते हो 7 डेज ट्रायल है और 1650 लगेगा पर ईयर। तो आपको क्या करना है फ्री में यूज़ करना है, तो मैंने बैक कर दिया। फिर यहाँ पर देख सकते हो एल्बम का ऑप्शन है, एल्बम पर क्लिक करना है, फिर आपको न्यू एल्बम है यहाँ पर क्लिक करने के बाद अलाउ कर लेना है। करने के बाद थोड़ा आपको डेमो दिखाएगा किस तरह से आपको स्कैन करना है और कैसे इसको एनहांस करना है, मतलब इसे क्लैरिटी बेटर करना है और क्या क्या इसमें फीचर्स है। तो गाइज यहाँ पर स्टार्ट लिखा है, तो आपको स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है। करने के बाद देख सकते हो कैप्चर का ऑप्शन है, इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। फिर ऊपर में देख सकते हो जो एरर है इसको क्लिक करना है और फिर आप यहाँ से गैलरी से आपका जो फोटो है इसको सिलेक्ट करना है। तो मेरा कौन सा फोटो था, इस फोटो का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो इसको मैं अभी एनहांस करके देखूंगा। तो यहाँ से आप एनहांस कर सकते हो और यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप डाउनलोड करके जरूर देख सकते हो। तो वॉज द एड, तो ये आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको फ्री में ये यूज़ करना है। तो गाइस थोड़ा समय आपको वेट करना होगा। तो गाइस प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, ये भी एप्लीकेशन है और भी एप्लीकेशन है, इसका नाम है Rimini। तो इसी एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, इस एप्लीकेशन से Rimini एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको फ्री में यूज़ करना है तो आप बहुत सारी दिक्कत होती है, सेव नहीं होते फोटो। और आपको अगर सब्सक्रिप्शन ले तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी Rimini जो एप्लीकेशन है, तो आपको ये भी प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हो तो ये रेडी हो गया, अभी मैं सेव कर लिया। फिर मैं अभी गैलरी में जाके देखते हूँ मेरा जो फोटो है एक्चुअल में ये इनहांस हुआ है या नहीं, क्लैरिटी बेटर हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हो ये मेरा फोटो इनहांस हुआ। तो गाइज मेरा पुराना फोटो आपको दिखाता हूँ, गाइज आप देख सकते हो थोड़ा ब्लर जैसे है। तो ये AI के मदद से इस तरह से आप आपके पुराना जो फोटो है इसको बेटर क्वालिटी कर सकते हो। गाइज आप भी आपके फ़ोन पर ट्राई ज़रूर कर सकते हो और कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको इसी एप्लीकेशन कैसा लगा। गाइज अगर आपको इसी वीडियो से कुछ हेल्प मिलता है तो इस वीडियो कर देना एक लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। गाइज और एक बार अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ऐसे बहुत से हेल्पफुल वीडियो नया नया जेन्युइन कंटेंट हर पल मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी का भी कर लीजिए। गाइज और एक बार अगर आप लोग मेरा इस वीडियो फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हो तो ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए फॉलो भी जरूर कर लेना।